आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये वर्कशीट मैंने बहुत ही डिटेल में, नॉट वर्कशीट, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अलग से वीडियोस बना रखे हैं, तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी की सारी वीडियोस एक सीरीज में मिल जाएंगी। तो उसमें क्या है, अच्छे से डिटेल्ड बता रखी है। अभी इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आपको नीड है इस वर्कशीट के सॉल्यूशंस की, वैसे तो उस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े सिर्फ सॉल्यूशन के लिए। बट अगर समझना हो तो मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने का, रेशियो याद करने का एक तरीका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरा तरीका भी है जो आपको शायद पसंद आए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से आप कोई भी निमोनिक यूज़ करके आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रेशियो बन जाएंगे। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, हम तो इस तरीके से याद करते थे, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। देखिए डिटेल जो है आपको वो वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा जा नहीं रहा। तो अभी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए, अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो मैं रीड कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी, तो 90 डिग्री जो है वो बी पे है, तो बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ए बी सी, ठीक है। आगे उसने बोला 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, ये इन्फॉर्मेशन दे दी उसने, और बोला फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट ए एक रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, तो 15 उधर ले जाऊँगा मैं, कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा, ठीक है। और कॉट क्या था, कॉट ये रहा बी अपॉन एच, तो बेस और परपेंडिकुलर होता है, और ए है तो ए यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, तो सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो हमारे को पता है कि कॉट का जो फॉर्मूला है वो है बी अपॉन पी, तो इससे पता चल जाता है जो बेस है वो 8x, क्योंकि ये रेशियो है तो x, और जो परपेंडिकुलर है वो 15x, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाई बाय पापा, मैं तो इस तरीके से याद रखता रहा, हाई बाय पापा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस 8x स्क्वायर और प्लस पी क्या है 15x स्क्वायर। कुछ टीचर्स जो है ना वो x नहीं लिखवाते हैं, हट जाएगा वैसे तो x एट द एंड, बट लिखें तो बेटर होगा। ये हो गया 8 8 64x स्क्वायर और 15 का हो गया 225x स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 8 और ये आएगा 289x स्क्वायर। सो हाइपोटेनस हो गया 17x, तो 17x आपका यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास तीनों चीज़ों मिल गई, अब हमें चाहिए क्या, फाइंड करना है साइन ए। साइन क्या है, पी अपॉन एच, देखो ऊपर वाले ऐसे जाते हैं और ये नीचे से ऐसे जाता है, सो साइन है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या था 15x और हाइपोटेनियस क्या है 17x, एक्स और एक्स कट गया तो आंसर हो गया 15/17। अब नेक्स्ट बोला उसने सेक ए, सेक ए, सेक ए रहा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस क्या है 17x और बेस क्या है 8x, एक्स और एक्स कट गया तो 17/8, तो यह आपका आंसर हो गया, ये
तो आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। और इसने बोला है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। यस, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो थीटा दे रखा है। अब थीटा यहाँ लो या नीचे लो, बात एक ही है। अभी ऊपर के हिसाब से दे रखा है तो मैं ऊपर ही ले रहा हूँ। सो थीटा दे रखा है 13/12, तो 13 सेक यहाँ पर देखो एच अपॉन बी, तो ये एच हो गया, ये बी हो गया, तो मुझे पता चल गया जो हाइपोटेनस है वो 13x है। और आप के भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में के दे रखा होता है तो के भी चल जाएगा। और जो बेस है वो क्या है, 12, यहाँ पहले बेस लिख देता हूँ 12K। ठीक है, यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिल गई। अब मैं इसके अंदर क्या मैं निकाल सकता हूँ, पी निकाल सकता हूँ। तो पहले पी निकाल ही लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत, उसके बगैर तो ये क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो यहाँ पर हो गया 13K² इक्वल्स टू 12K² प्लस P². 13 हो गया 169K² इक्वल्स टू 144K² प्लस P², इधर आएगा 169K² माइनस 144K² इक्वल्स टू P², कितना बच गया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 25K² इक्वल्स टू P². तो यहाँ से P की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5K। ठीक है, 5K इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, वो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फाइंड बोलो तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे निकालने हैं, तो एक एक करके निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच का मतलब हो गया पी क्या है, ये रहा 5K/13K, तो 5/13 आंसर हो गया। ठीक है, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो बी क्या है 12K/13K, तो के कट गया 12/13। टेन थीटा क्या हो गया, बी अपॉन पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है 5K और बी क्या है 12K, 5/12। अब इसके बाद कॉसेक क्या है इसका उल्टा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कॉसेक थीटा क्या है 13/5, इसी का उल्टा था ना, साइन का उल्टा था। तो यहाँ पर सेक हमें पता ही है, तो सेक तो ऑलरेडी दे रखा है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। कॉट थीटा क्या था 12/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल एट B, अगेन यही फिगर आपकी बन जाएगी। और साइन ए, तो ये जो पॉइंट होता है वो थीटा हो गया, तो यहाँ पर आपका थीटा है बेसिकली 3/4। तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4 बोला है, तो साइन क्या है P अपॉन एच। तो यहाँ से मुझे पहली चीज़ तो मिल जाती है P की वैल्यू है 3x और h की वैल्यू है 4x। ठीक है, ये तो हो गया। अब उन्होंने बोला कॉस ए प्लस साइन सी निकालो, उनको प्लस करो, √7/2 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आप बस LHS सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से पहले तीसरी साइड निकाल लो, तो तीसरी साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस निकालना है बेसिकली। तो 4x² इक्वल टू B² प्लस 3x², तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 16x² इक्वल टू B² प्लस 9x², तो 9x² इधर ले आओ, 16x² माइनस 9x² इक्वल्स टू B², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 1 के 7, 7x² इक्वल्स टू B², सो बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7x, 7x आपकी बी की वैल्यू आ गई। तो हम सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करना है, कॉस ए, तो इस को पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो बार दे रखा है, देखो कॉस ए दे रखा है, साइन सी दे रखा है। तो
आप पहले वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि पहले आपने ए के परस्पेक्टिव से सॉल्व कर दिया ना, ए के परस्पेक्टिव से। तो परपेंडिकुलर क्या था, 3x, तो यहाँ पर आप 3x लिख दो। अभी आपको बताता हूँ क्यों लिखवा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज दे रखा था 4x, 4x लिख दो, और ये दे रखा है 7x। ठीक है, जब मैं कॉस ए ढूंढ रहा हूँ तो मैं ये वाला ट्राइंगल देखूंगा, थीटा वहाँ पर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, तब थीटा यहाँ होगा। जब मैं यहाँ पर साइन सी ढूंढूंगा, बिकॉज यहाँ पर ए था, बी था, सी था। जब मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूंगा सी के लिए, तो सी में थीटा यहाँ आ चुका होगा। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये। इस केस में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और हाइपोटेनस ये है। तो फ़र्क होता है दोनों में, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी अपॉन एच प्लस साइन सी, मतलब बेसिकली साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, लेकिन दोनों के फिगर अलग हैं, तो दोनों में फिगर अलग लेंगे। बी बी मतलब ये वाली ला वैल्यू 7x, अपॉन एच क्या है 4x। यहाँ से मत लेना, ये दोनों एंगल अलग हैं। पी इस वाले फिगर में पी क्या है, ये वाला, तो ये क्या है 7x, और एच क्या है 4x। ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो दोनों में फिगर अलग बनाए। तो एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया, आंसर आया 7/4 प्लस 7/4, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हो गई? ओके, यहाँ पर जब ये आया था तो यहाँ पर रूट आना था, तो √7x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे √7x² इक्वल्स टू बी था ना, तो √7x बाहर आ जाएगा बी, तो बी की वैल्यू है √7। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, बस यहाँ पे √7 होगा, √7 होगा, √7, √7। ओके, तो बेसिकली 4 LCM आ गया, √7 प्लस √7, आंसर हो गया 2√7/4। तो 2 से 2 कटा, तो आंसर क्या हो गया, √7/2। तो ये मेरा आंसर है, और ये आपका हेंस प्रूव हो गया। शो दैट बोला था, हेंस प्रूव, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। तो इस तरीके की अगर कहीं गलती हो जाए तो आपको आंसर में पता चल जाता है, तो आप उसके करेक्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी एंगल वो चेंज कर रहा है, पहले पी फिर आर। तो पहले दो वैल्यू दे रखी है, पहले तो तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो थीटा नहीं दे रखा, तो हम इसको बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाई बाय पापा। तो 13² इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 12². अब आप बोलोगे सर आप एक्स क्यों नहीं ले रहे? देखो बच्चों, ये जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, वो पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था। रेशियो जब भी देंगे तो आपको एक्स या के या कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ में आपको कुछ भी एक्स वाई नहीं देना। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, बी स्क्वायर प्लस 144 उधर लेकर आऊँगा तो 25 बचेगा, 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो 5 क्या होगी, सेंटीमीटर, ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा था, पहले वाला एक्स में चल रहा था। तो मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई, मैं या ब्लैक में ही लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इस फिगर में आ गई। अब देखो टेन पी और कॉट आर, तो थीटा बदल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा पहले बना लेता हूँ फिर दोबारा फिगर, पी क्यू आर बना लिया, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे पी बोल रहा है, यहाँ पर थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला पी होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, पी क्यू आर, आर आर थीटा यहाँ पर है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर ढंग से समझना हो तो प्लीज़ वो जो वीडियो का लिंक दे रखा है उसको आप करें।
अब टेन क्या होता है? टेन होता है पी अपॉन बी, क्या होता है पी अपॉन बी माइनस कॉट क्या दे रखा है बी अपॉन पी। बस ध्यान रखें ये वैल्यू यहाँ से लेनी है, ये वैल्यू यहाँ से लेनी है। ओके पी पी क्या नीचे वाली, नीचे वाली क्या है 5, बी बी क्या ये वाली 12, बी बी क्या ये वाली नीचे वाली 5 और ये क्या है 12। अरे दोनों सेम वैल्यू हो गई, सेम वैल्यू हो गई, आंसर हो गया 0। तो इसका जो आंसर हो गया वो टेन पी माइनस कॉट आर जो हो गया वो आंसर हो गया 0। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें और अपने सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।